रायसेन जिले के सिलवानी क्षेत्र में मखनचूर गौशाला और चैनपुर हाई स्कूल सहित जयथारी में नवीन चौकी भवन का दीप प्रज्वलित कर लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर विदिशा सांसद रमाकांत भार्गव, सिलवानी विधायक रामपाल सिंह राजपूत और जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत मीणा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में सांसद रमाकांत भार्गव ने कहा कि सरकार समाज के लिए प्रत्येक वर्ग के विकास और कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत गाँव गाँव में शिविर लगाकर आवेदन लिए गए हैं और उन पर कार्रवाई कर पात्र लोगों को योजनाओं से लाभान्वित किए जाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। प्रदेश की विकास दर 19% से अधिक है, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। यह प्रदेश सरकार की विकास नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं का परिणाम है। आगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना, स्वरोजगार योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं सहित अनेकों योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। उन्होंने कहा कि हर महीने रोजगार दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है।